हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उमर खालिद पर हुए जानलेवा हमले पर बोले जिग्नेश, संघ और भाजपा चाहती है कि शैला, उमर और मुझे मार दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के PhD छात्र उमर खालिद पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में उमर खालिद को कई जगह चोटें आई। जानकारी के मुताबिक उमर खालिद पर हमला उस वक्त हुआ जब वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम खौफ से आज़ादी में शिरकत करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उमर खालिद क्लब के बाहर खड़े चाय पी रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि हमले के दौरान उमर पर फायरिंग भी की गई, जिसमें वो बाल बाल बच गए। फायरिंग के बाद वहां भगदड़ मची और हमलावर के हाथ से पिस्टल छूट गई। हालांकि पुलिस ने फायरिंग के बाद से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि हमलावर गोली चलाने से पहले घबरा गए और पिस्टल छोड़कर भाग गए। इस हमले में उमर के हाथ और पैर में चोटें आई हैं। उमर पर हुए जानलेवा हमले के लिए गुजरात के नेता और विधायक ने BJP और RSS को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, जब पिछले महीने हमारे मोबाइल पर रवि पुजारी ने धमकी में कहा था कि तुम, शहला राशिद और उमर खालिद तीनों हमारे हिटलिस्ट में हो, तभी उमर और शहला ने पुख्ता पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की थी। आज तक हम तीनों में से किसी की भी सुरक्षा बढ़ाई नहीं गई, क्या जवाब है? जिग्नेश ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि संघ और भाजपा सरकार चाहती है कि हमें मार दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया पर हमला करते हुए कहा, इस हमले के लिए मीडिया के वो ग्रुप्स भी जिम्मेदार हैं जो लगातार कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शहला राशिद को टुकड़े टुकड़े गैंग और राष्ट्रद्रोही बताकर भाजपा को चुनावी फायदा पहुंचाने के मिशन में लगे हैं। आपका बिकाऊ होना किसी की जान ले सकता है, आप समझ रहे हैं? गौरतलब है कि खौफ से आज़ादी कार्यक्रम का आयोजन यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के बैनर तले देश के मौजूदा हालात के मद्देनजर किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद देश में फैलाए जा रहे डर और नफरत के माहौल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है। दिल्ली में उमर खालिद पर जानलेवा हमला, शहला बोली, ये रिपब्लिक TV द्वारा फैलाई जा रही नफरत का नतीजा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के PhD छात्र उमर खालिद पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में उमर खालिद को कई जगह चोटें आई। जानकारी के मुताबिक उमर खालिद पर हमला उस वक्त हुआ जब वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम खौफ से आज़ादी में शिरकत करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उमर खालिद क्लब के बाहर खड़े चाय पी रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि हमले के दौरान उमर पर फायरिंग भी की गई, जिसमें वो बाल बाल बच गए। फायरिंग के बाद वहां भगदड़ मची और हमलावर के हाथ से पिस्टल छूट गई। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि हमलावर गोली चलाने से पहले घबरा गए और पिस्तौल छोड़कर भाग गए। इस हमले में उमर के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उमर पर हुए जानलेवा हमले के लिए JNU की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक TV को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा कि चौंकाने वाला और बेहद निंदाजनक, दिल्ली में एक शख्स ने उमर खालिद पर पीछे से हमला किया और उसे गोली मारने की कोशिश की। ये रिपब्लिक TV और मीडिया चैनलों द्वारा फैलाई जा रही नफरत का ही तो नतीजा है। मैंने उमर से बात की, वो ठीक है, लेकिन हमें उसकी सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित होना चाहिए। गौरतलब है कि खौफ से आज़ादी कार्यक्रम का आयोजन यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के बैनर तले देश के मौजूदा हालात के मद्देनजर किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद देश में फैलाए जा रहे डर और नफरत के माहौल के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी, वरिष्ठ पत्रकार अमित सेन गुप्ता, RJD सांसद मनोज झा, पूर्व राज्यसभा सांसद अली अवर अंसारी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्व आनंद जैसी देश के कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत भी की। इसके साथ ही हेट क्राइम का शिकार हुए पीड़ित परिवारों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 2019 की परीक्षा से पहले फेल हुई भाजपा, सी वोटर सर्वे के मुताबिक 3 राज्यों में मुरझाएगा कमल, जीतेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखें भले ही घोषित नहीं हुई, मगर सर्वे का दौर शुरू हो गया। ये सर्वे में कांग्रेस के अच्छे दिन लाने की बात कर रहा है। सर्वे की माने तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार का जाना तय है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के हाथ सत्ता आ सकती है। दरअसल ABP न्यूज चैनल की सर्वे की माने तो ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से कांग्रेस को 117, BJP को 106 और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट प्रतिशत की बात करें तो BJP और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। BJP को 40%, कांग्रेस को 42% वोट, साथ ही अन्य को 18% वोट मिलने का अनुमान है।
छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को बढ़त रमन सरकार के लिए खतरे की घंटी। मध्य प्रदेश के बाद अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 14 साल में सत्ता में कायम डॉक्टर रमन सिंह सरकार से जाते हुए नजर आ रहे हैं। 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। यहां बीजेपी को 33, कांग्रेस को 54 और अन्य को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 39%, कांग्रेस को 40% वोट, साथ ही अन्य को 21% वोट मिलने के अनुमान लगाए गए हैं। राजस्थान में राज्य सरकार के दिन हुए पूरे। कुल 200 सीटों में से कांग्रेस को 130, बीजेपी को 57 और अन्य को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं राजस्थान में वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में कांग्रेस काफी आगे है। बीजेपी को 37% और कांग्रेस को 51% वोट के साथ ही अन्य को 12% वोट मिलने का अनुमान। गौरतलब है कि बीजेपी तीनों ही राज्य में बीजेपी की गढ़ माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में साल 2003 को प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह साल 2005 से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान एक मजबूत राज्यों में है। बता दें कि तीनों राज्यों में 27,968 लोगों से बात की गई। तीनों राज्यों की सभी 65 लोकसभा सीटों पर सर्वे हुआ। 1 जून से 10 अगस्त के बीच तीनों राज्यों में ये सर्वे हुआ। उमर पर हुए जानलेवा हमले पर बोले दिलीप मंडल, मोदी के समर्थक बावले हो गए हैं, इन्हें पागल बनाने में गोदी मीडिया की अहम भूमिका है। बीते कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में उमर बाल बाल बच गए। यह हमला दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि फायरिंग उमर को निशाना बनाकर की गई। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी गन घटनास्थल पर ही रह गई। बता दें कि उमर खालिद पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम खौफ से आज़ादी में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल बता रहे हैं कि किस जगह उमर खालिद पर हमला हुआ और वो कैसी जगह है और वहाँ गोली चलने के क्या मायने हैं। पढ़िए वो कौन सी जगह है जहाँ दिल्ली में फायरिंग हुई है। मोदी की नहीं जनता लेकिन सरकार का इकबाल खत्म हो गया। सरकार समर्थक बावले हो गए, बेलगाम हो गए। मुझे नहीं लगता कि वो सरकार के काबू में है। उन्हें पागल बनाने में मीडिया की भूमिका है, अपराध उनका भी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैंने दर्जनों बार भाषण दिया और सैकड़ों सेमिनार और सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस क्लब की सदस्यता सिर्फ सांसदों को मिलती है। ये दिल्ली की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। यहाँ प्रधानमंत्रियों तक का आना जाना होता है। इस क्लब के इतिहास में तो छोड़िए, आसपास भी कभी फायरिंग नहीं हुई। यहाँ सामान्य दिनों में जितने नागरिक होते हैं उससे ज्यादा सुरक्षा कर्मी होते हैं। मैं बताता हूँ कि वहाँ 800 मीटर के दायरे में क्या है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वायुसेना मुख्यालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, जल संसाधन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, प्रेस क्लब, पीटीआई, यूएनआई, संचार मंत्रालय, चुनाव आयोग, डाक भवन, उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग, रेड क्रॉस भवन, अंबेडकर फाउंडेशन, कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के घर, संसद मार्ग, थाना, आकाशवाणी भवन। ये अभूतपूर्व सरकार है। जो अब तक नहीं हुआ वो सब अब होगा। वैभव के साथ बीजेपी विधायक की तस्वीर वायरल, पत्रकार बोली अगर कोई कांग्रेसी होता तो गोदी मीडिया अब तक राहुल गांधी को आतंकी घोषित कर देता। महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दल ATS ने सनातन संस्थान से जुड़े वैभव राउत को गिरफ्तार किया। ATS को वैभव राउत के घर से छापेमारी में 20 देसी बम और 2 जेलेटिन स्टिक मिले। ATS का कहना है कि वैभव राउत बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। वैभव की गिरफ्तारी के बाद उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में वो बीजेपी के विधायक मनीषा अशोक चौधरी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वैभव की इस तस्वीर के सामने आने के बाद मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आतंकवाद से कितने गहरे संबंध रखता है, इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर बीजेपी विधायक के साथ वैभव की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, यहाँ बीजेपी विधायक मिस चौधरी संदिग्ध आतंकी वैभव राउत के साथ हैं, जिसे 2 दिन पहले 8 बम और विस्फोटक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी के आतंकवाद से कितने गहरे संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए। संजय निरुपम के इस ट्वीट को पत्रकार रोहिणी सिंह ने रीट्वीट करते हुए कहा, सोचिए अगर कांग्रेस विधायक की तस्वीर संदिग्ध आतंकी के साथ होती, अब तक मीडिया उन्माद खड़ा कर देती और राष्ट्रवादी चैनल्स राहुल गांधी को आतंकवादी घोषित कर देते। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं जब किसी बीजेपी नेता के साथ देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले की तस्वीर वायरल हुई।
इससे पहले पिछले साल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए ध्रुव सक्सेना की तस्वीर भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ नजर आई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।